रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के नागा साधु महंत कन्हैया दास की ईंट से कूच कर निर्मम हत्या के मामले में अयोध्या कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। मुख्य आरोपित शशिकांत दास को मोहबरा चौराहे पर गिरफ्तार किया, जबकि उसके भाई अंश मिश्रा को रामप्रस्थ होटल के पास से गिरफ्तार किया गया। SSP शैलेश पांडे के मुताबिक जांच में घटना का खुलासा हुआ, जो आरोपित के गुरु रामवरण दास की संपत्ति हत्याने को लेकर बताया गया है। महंत कन्हैया दास शशिकांत दास गुरु भाई हैं, जो अपने गुरु की संपत्ति पर अकेले कब्जा करना चाहते थे। दोनों के बीच संपत्ति विवाद का केस भी न्यायालय में चल रहा है। आरोप है शशिकांत दास ने अपने साथियों के साथ शिवरात्रि के समय ही महंत कन्हैया दास को सदा के लिए रास्ते हटाने की योजना अपने भाई अंशो तीन अन्य के साथ मिलकर बनाई। 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सूचना प्राप्त हुई थी कि चरण पादुका मंदिर परिसर में स्थित गौशाला में एक साधु जिनका नाम श्री कन्हैया दास था, उनकी हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी पे तत्काल मेरे द्वारा तथा सभी सीनियर ऑफिसर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें वादी के तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसमें एक अभियुक्त गोलू उर्फ शशिकांत दास को नामजद किया गया था और घटना के पीछे संपत्ति के विवाद की जानकारी दी गई थी। इसमें तत्काल टीम गठित करके घटना के अनावरण का प्रयास किया गया और इसमें पुलिस को सफलता मिली। इसमें जो नामजद अभियुक्त गोलू दास था उसके साथ ही साथ एक अन्य अभियुक्त अंश मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इसमें 5 अन्य अभियुक्त के नाम भी प्रयास में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस घटना के पीछे जो कारण था वो संपत्ति और पैसे का विवाद था। ये दोनों आरोप जो मुख्य आरोपी और जो मृतक साधु हैं वो दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। उन गुरु जी के जो संपत्ति थी और साथ ही साथ जो नकद था उसको हड़पने के उद्देश्य से जो गोलू और शशिकांत दास ने ये षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्र काफी दिन पहले से इन्होंने रचा था और इसमें कुल 7 लोग इसमें आए हैं, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 5 लोगों की गिरफ्तारी शेष है। घटना वाले दिन गोलू दास अपने 3 साथियों के साथ वहां गौशाला परिसर में गया और कन्हैया दास जी की उसने हत्या की। इसके 3 अन्य साथी बाहर इनोवा कार में इसको बैकअप दे रहे थे, आवश्यकता पड़ने पर वो भी जाते और उसके बाद घटना कार्य करने के बाद ये सभी वहां से फरार हो गए थे। जो इनोवा गाड़ी इसमें प्रयुक्त हुई थी वो बरामद कर ली गई है। हत्या में प्रयुक्त ईंट बरामद कर ली गई है। शेष जो अभियुक्त बच रहे हैं उनकी हम जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। दोनों अलग अलग जगह से रहने वाले। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।